I have these staff with me assisting me to the property. Okay, so both of them are saying hi to all of you. And बहुत ही अच्छे से मुझे समझा रहे हैं पूरा property का. They are actually escorting me to my room, explaining to me the amenities available at this property. मतलब सारा मुझे बता रहे हैं कि बैंडों से क्या available है और कैसे कैसे कुछ अच्छी hospitality है, no doubt. तो रूम में सुधा है और मैं आ गई हूँ रूम के अंदर. मैं आपको दिखाती हूँ, ये है डीलक्स बीच बंगलो एट बैंडोस मालदीव्स. देखते हैं रूम के कैसा है रूम और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज जो गेस्ट्स प्रोवाइड की हुई है. इंटीरियर तो बहुत ज्यादा वही कर रखे की लाविश लाविश से, बट देखिए आप एंटर करते ही बहुत अच्छी सिटिंग भी दे रखी है इन्होंने और उसके बाद बैठे यहाँ पे. और क्योंकि ये बिल्कुल इनके बीच से कनेक्टेड है बीच बंगलो है, तो इससे ऐसे कोई व्यू नहीं है, पर यहाँ से गेट के बाहर निकलते ही डायरेक्टली सामने बीच एक्सेस है. तो इसमें ऐसा कोई व्यू नहीं है, पर हम करते हैं सारी बातों की रिसर्च पहले से की गई थी, इसीलिए नहीं बुक कराया. जाके एक्सप्लोर करना अलाउड है ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज पे. तो बस अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चाय पीते हैं. एक्चुअली मुझे चाय बनानी शुरू कर दी है. तो चेक इन करके अपने रूम में जाने के बाद कॉफ़ी पी के मैं निकल पड़ी हूँ वापस से इसी बीच पे आने के लिए जो ठीक मेरे रूम के सामने है. और अब बारिश ख़त्म हो चुकी है और समुद्र में आपको दिखाती हूँ क्या खूबसूरत समुद्र है, अमेजिंग नज़ारा है. और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे शाम ढल जाती और फिर मैं आपको ये नज़ारे नहीं दिखा पाती, इसीलिए मेरे लिए वो चीज़ ना मेरे को मतलब बैठने नहीं दे रही थी रूम के अंदर. और ये देख सकते हैं मेरे पीछे वो है सामने सारा सी ब्रीज लाउंज. और यहाँ पे हम हैं बैंडोस आइलैंड की बीच पे. और वाइट सैंड की बीचेस हैं सारी. मैंने देखा है झूला, मैं जा ही रही थी उस पर. बहुत ही अच्छे से झूला है और बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, फैमिलीज हैं, इंजॉय कर रहे हैं वो. यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक झूला भी लगाया है. तो यहाँ पे आप देखो ये झूला भी इन्होंने ऐसे लगा रखा है, बहुत अच्छा सा. सारी मतलब अमेनिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं कि अगर हम एक बीच रिजॉर्ट पे आए हैं तो हम उसको एंजॉय कर सकें. बारिश आ रही थी उससे उल्टा वेदर इतना प्लेजेंट हो गया कि बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है. मैं आई तो पहली बार हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ की इवनिंग्स होती कैसी हैं, कल पता लगेगा जब बारिश शायद ना हुई हो. वैसे काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है और जैसे जो ओशियन है उससे डिसकनेक्ट करने के लिए थोड़े से रॉक्स लगा के एक बीच बनाई हुई है. तो जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो इजीली यहाँ पे इस बीच को एंजॉय कर सकें. फ्लोट कर रहे हैं बच्चे, नहा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत ही अच्छा माहौल है, प्रॉपर्टी अच्छे से डेवलप हुई हुई है. अभी तो मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा है, मैं मेरे को पसंद आई है. तो हम बीच को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें उसके लिए आप ये देख सकते हो, ये वाला झूला भी लगाया है इन्होंने छोटा सा. काफ़ी सारी अलग अलग तरह के इन्होंने झूले लगा रखे हैं. और बीच के बाद हम इस पे बैठ सकें, सनबाथ ले सकें, इसको आगे भी लेके जा सकते हैं. वैसे तो सन आने की ऑप्शन कम है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं. और अब मैं एक जो मुझे लग रहा है ना फोटोग्राफी पॉइंट और सेल्फी पॉइंट है वहाँ लेके चलती हूँ आपको. और यहाँ से हमको यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर भी नज़र आएगा और वाइट सैंड बीच भी. तो ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट और ये रहा यहाँ का एकदम क्लियर वाटर. अंदर तक के पत्थर सब कुछ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा है ही नहीं तो डर भी नहीं लगेगा. बहुत आराम से इतना क्लियर वाटर है कि हम आराम से यहाँ पे स्विम कर सकते हैं और पूरी तरह से बीच को एंजॉय कर सकते हैं. ओह माय गॉड, ये देखिए ये फिश आ गई है, ये आ गई, ये है मंतारे. आ गई ये ब्लैक कलर की, दिस इज मंतारे. मालदीव्स में इसकी भरमार है. यहाँ पे भी एक और फिश है सामने, बोरी. और वो बच्चे उसके बाद भी वहाँ स्विम कर रहे हैं, वो स्नॉर्केलिंग कर रहे हैं. एक्चुअली इन फिशेस के बीच में स्नॉर्केलिंग कर रहे हैं. बड़ा ही मस्त माहौल है भाई, बहुत ही मस्त है. ऐसा लग रहा है कि कहाँ आई हूँ मैं.
मतलब ड्रीम कम ट्रू होता है ना. अभी तो मैं एक ही रिजॉर्ट पे आई हूँ जो कि बहुत ही पास है माले से. फर्स्ट रिजॉर्ट है ये और सोच रही हूँ कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है इस मालदीव्स की ट्रिप में. मेरे को सोच सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं. तो वो बैठे हैं मिस्टर मेहता वहाँ झूले पे. तो बेसिकली ये बैंडोज का स्नॉर्केलिंग पॉइंट है. यहाँ पे अगर आप स्नॉर्केलिंग ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आप स्नॉर्केलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे की तरफ हम जाते हैं तो जो वाटर है थोड़ा सा डीप होता जा रहा है, और अंडर वाटर जो फिशेज हैं वो तो यहीं से मुझे दिख रही हैं. तो स्नॉर्केलिंग थोड़ा थोड़ा आगे और मेरे को दिख रहा है थोड़ा सा डीप होता जा रहा है, तो वहाँ पे और अलग अनुभव लगेगा हमें. मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं स्टोन्स के थ्रू छोटी सी बीच क्रिएट करी गई है. तो जैसे ही लहरें आती हैं पीछे ओशन से बहुत तेज़ टकराती हैं इन स्टोन्स पे, और उसके बाद इतनी ज़ोर की आवाज़ होती है, इतनी शांति में एकदम से पानी की इतनी तेज़ आवाज़. बस सिर्फ ये आवाज़ें हैं यहाँ. थोड़ा बहुत म्यूज़िक जो यहाँ पे लाइव एंटरटेनमेंट के लिए प्ले हो रहा है वो है, उसके अलावा सिर्फ पानी की आवाज़ है, सिर्फ और सिर्फ पानी की आवाज़. सुना तो था मैंने कि अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए लोग यहाँ आते हैं और ज़िंदगी भर के लम्हे साथ लेकर जाते हैं, पर महसूस भी कर रही हूँ मैं. बहुत ही रोमांटिक माहौल तो है ही है और सीरीन एनवायरनमेंट है, एकदम शांत.